बहुत ही मजा आ रहा है यार। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा जामुन भरा हुआ है। लेकिन तो गाइज यार आज की इस वीडियो में यार हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस छोटा सा ब्लॉग को बनाने वाले हैं, और इस ब्लॉग में गाइज हम जाने वाले हैं जंगल में और नदी पर भी। तो वहाँ पर अभी बरसात का समय चल रहा है गाइज, बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं, और जामुन आपने खाया है तो गाइज हमें जरूर बताना कमेंट करके, और देखा है तो भी बताना गाइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ साइड में स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा जामुन का फल। सो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, तो वो तो बात की बात है गाइज। लेकिन आज के इस वीडियो में यार हम आपको जंगल का सैर कराएंगे और जामुन भी खिलाने वाले हैं। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना गाइज। यार आप कहाँ से हो ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना, आपके यहाँ जामुन है या फिर नहीं है वो भी बता देना गाइज। और हमारे इस कैमरामैन होने वाले हैं इस वीडियो में शोएब भाई होने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फ़नी हैं, और हमारे कुछ दोस्त भी चलेंगे हमारे साथ जो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को सीधा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? देखिए हम लोग जामुन खाने नदी पर आए हुए हैं। अब्दुल रहमान भाई हैं और अकील भाई हैं, साथ ही में जिसान भाई वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस अब देखना है यहाँ पर चलते हैं हम, देखते हैं जामुन क्या फरा हुआ है या फिर नहीं, या फिर पका हुआ है या फिर नहीं, तो क्या होने वाला है आप लोग भी चलिए साथ और दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस देखते हैं। गाइस यहाँ पर बहुत सारे घास है गाइस, बड़े बड़े घास है यहाँ पर, सांप और जानवर रहते हैं गाइस, और ये बगल में नदी भी है गाइस, देख लीजिए आप, बहुत सारे पेड़ है इधर, देख लीजिए बहुत ही सुंदर नजारा है गाइस, इधर का बादल भी देखिए, देख लीजिए गाइस यहाँ पर बहुत सारे खर हैं, और गाइस ये पार करके जाना पड़ता है, देख लीजिए खेत कैसे हैं इधर के, और ये देखिए आ रहे हैं अकील भाई आ रहे हैं उधर से, और ये अब्दुल रहमान भाई जा रहे हैं। गाइस ये जामुन के पेड़ ही हैं सब जो दिख रहे हैं, ये सब जितने भी दिख रहे हैं गाइस सब जामुन के पेड़ ही हैं, लेकिन किसी में लगा हुआ है किसी में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आप तो जानते हैं इस साल इधर गोंडा में बारिश नहीं हुई है, और बारिश नहीं होने के कारण आप जानते हैं कि जामुन लगा नहीं है पेड़ में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं पेड़ के पास, और चलिए देखते हैं कि जामुन लगा हुआ है कि नहीं। गाइस जामुन तो लगा हुआ है, लेकिन बहुत छोटे और बहुत ऊपर लगे हुए हैं गाइस इधर, तो इधर देख लीजिए आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए गाइस लगे हुए हैं लेकिन दिखेंगे नहीं आपको कैमरे में, क्योंकि वो गाइस थोड़ा दूर है, और हम आगे वाले पेड़ पे चलते हैं। इधर सब पेड़ ही पेड़ है गाइस, देखिए ये सब पूरे जितने भी है सब जामुन के पेड़ है, बहुत दूर दूर तक है, कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया में पूरा फैला हुआ है, देख लीजिए गाइस। और ये हम आ गए हैं एक और पेड़ के नीचे, अभी इसमें देखते हैं, ये देखिए गाइस देखिए कैसे लगे हुए हैं जामुन, बहुत बहुत ज्यादा ही लगे हुए हैं इसमें, लेकिन गाइस कांटा ये देखिए आप, कांटा देखिए, देखिए गाइस कितने कांटे हैं इधर, कांटे बहुत ज्यादा हैं गाइस इधर। गाइस आगे चलते हैं देखते हैं क्या माहौल है उधर वाला। गाइस जो है वो छोटे पेड़ है लेकिन बहुत मीठे फल होते हैं, उनके जामुन बहुत मीठे होते हैं गाइस, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितने घने जंगल हैं। ये गाइस थोड़ा छांव है, छांव में चलते हैं और देखते हैं क्या इधर का कैसा माहौल है। कांटे देख लीजिए गाइस, ये सब कांटे हैं पूरे, ये सब कांटे हैं, और अब्दुल रहमान भाई और जिसान भाई अकील भाई आ रहे हैं इधर ही, जिसान भाई अपने अब्बू से बात कर रहे हैं। तो गाइस बहुत ही मजा आ रहा है यार, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा जामुन भरा हुआ है, लेकिन बहुत हाइट पे है, हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं यार, पूरा यार हम इस पे डंडे मार के कोशिश करेंगे तोड़ने के लिए। तो आप लोग वीडियो पूरा अंत योजना, सो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो चलिए अब हम इस पे किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर देखते हैं। तो गाइस यार एक चीज आप और देख लीजिए, यहाँ पर काफी ज्यादा इस पेड़ पर कांटा है, इसलिए हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये काफी ज्यादा कांटा है, जिसे हाथ में लगेगा तो काफी ज्यादा नुकसान कर देगा। और तो आप देख सकते हैं गाइस इतना ज्यादा उतावला हो गया है कि उधर पार करके चला गया है, नदी पार करके उधर चला गया, देख लीजिए जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप, अकील पार करके उधर चला गया, और देखिए अब्दुल रहमान भाई पन्नी में भरने की कोशिश कर रहे हैं, देख लीजिए गाइस देख लीजिए पन्नी लिए हुए हैं, भर रहे हैं पन्नी में, ज्यादा मीठा यार, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसको घर ले चलेंगे और काफी ज्यादा मजा आएगा इसको खाने में। तो अभी और थोड़ा तोड़ेंगे, हमारे किसान को भाई को देखिए कितने स्लो स्लो खा रहे हैं, अकील भाई कुछ कह रहे हैं अब ना खा जा
गाइज ये लोग सभी लोग बहुत फनी है गाइज, जब भी हम इनके साथ रहते हैं तो हमारा पूरा दिन निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि दिन कैसे निकल गया। गाइज हमारे किसान भाई हमारा बहुत साथ देते हैं और गाइज इसलिए हम आज सोचे कि जामुन खा के आते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ने जाएंगे। गाइज देख लीजिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ऊपर वाली डाल डालने के लिए, पर वो डाल फट चुकी है। बहुत हाइट पर है यार, वहाँ पर बहुत ज्यादा फरा हुआ है लेकिन हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। चलिए आप दूसरे पेड़ की तरफ चलते हैं, किसी दूसरे पेड़ में गाइस डाल फट चुका है आप देख सकते हैं। पीछे वो लोग भी आ रहे हैं गाइस, अकील दिख नहीं रहा है गाइस, अकील पीछे था ना नदी में घुस गया मेरे बाहर पे, अभी आ रहे हैं और वो कुछ बंदे उधर भी आ रहे हैं गाइस, और गाइस कुछ बंदे हमारे उधर से भी आ रहे हैं, चार लोग। एक का नाम है कुनरू, एक का नाम है फरमान अली और एक का नाम है समीर, और गाइस देख लीजिए आ रहे हैं, और ये हमारा आडियक्स आ गया गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम शायरी करने वाले हैं, कौन मेरा है यार भूल गया, रुक जा, रुक रुक रुक, अरे कहना क्या चाहते हो? तो साहब इस चेहरे पर क्या देख, नहीं यार तो गाइस फाइनली हम इधर से खा के और किसान भाई ऊपर चढ़े हुए हैं, अकेले से नीचे, तो हम लोग इधर जा रहे हैं, हम और अब्दुल रहमान भाई इधर जा रहे हैं। अब्दुल रहमान गाइस बहुत तेज भागता है कि उसके पास पन्नी है ना भरने के लिए, तो गाइस इधर आ गए हैं, फिर चल रहे हैं गाइस। इधर क्या है गाइस, खाद बहुत ज़्यादा है और इसमें सांप वगैरह हो सकते हैं, इसलिए हम बहुत संभाल के चल रहे हैं। यहाँ सब गाइस पानी भर जाता है अगर बारिश का मौसम होता है, पर इस बार बारिश नहीं हुई है इसलिए पानी वो नदी में है, वो नदी है पूरी गाइस, वो सब गायब हो जाते हैं, खर जितने भी है वो पेड़ आप लोग क्या कहते हैं इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो सब गायब हो जाते हैं, यहाँ तक पानी रहती है पूरी। और हम यहाँ पर आ गए पर जामुन दिख नहीं रहा है गाइस, यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा कम लगे हुए हैं, बहुत ही कम है। ये देखिए गाइस, तो गाइस एक घंटे से लगातार चलते चलते हम थक चुके हैं और यहाँ पर बैठ गए हैं, यहाँ आप देख लीजिए किसान भाई खड़े अभी भी खा रहे हैं और उधर अकील भाई खड़े हुए हैं, देखिए और गाइस आप इधर देख सकते हैं थोड़ा छांव है वरना धूप बहुत ज़्यादा है गाइस, किसान भाई को देखिए खा रहे हैं और धूप ज़्यादा है इधर, ज़्यादा घास वास है गाइस, हम लोग इधर बैठे हैं, अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग 12 बजे घर पर, बहुत ज़्यादा चल चुके हैं और अब्दुल रहमान भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं और साथ में जा रहे हैं हम लोग निशान भाई है और हम लोग निकल रहे हैं गाइस अपने घर की तरफ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी देर हो गए हमें आए हुए, और देख लीजिए अब्दुल रहमान भाई जा रहे हैं बिल्कुल पीछे ही नहीं मुड़ रहे, देख लीजिए गाइस देख लीजिए इतना बड़ा जंगल है, अब्दुल रहमान देखिए भगा हुआ है पन्नी में रख के जामुन। मैंने 250 ग्राम जामुन को तोड़ लिया है और अब इसको हम ले चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और अब घर की तरफ चलते हैं। गाइस अकील बहुत देर से कुछ नहीं बोला, हमारा बहुत बहुत ही परम मित्र है, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है गाइस हमारा, पता है कि मैं ज्यादा बोलता नहीं, गाइज गाइज मोहम्मद अकील जो है बहुत ही फनी बंदा है, फरार रहता है और किसान भाई पीछे ही है गाइज, बहुत ही पसीने में शायरी कर रहे थे लेकिन शायरी हमने बीच में खराब कर दी, रील बना रहे थे, रील बना रहे थे, देख लीजिए कितना बड़ा जंगल है, क्या करोगे मुर्शाद, हम तो शायर हैं और भी शायरियाँ बना सकते हैं, देख लो नहीं का हुई का हुई फूफा बे शायर के फूफा शायर के फूफा अब्दुल रहमान बता रहा है गाइस, देख लीजिए
कितना बड़ा जंगल है आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ही बड़ा जंगल। कुछ लोग हैं जो कि हमारी शायरी को ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम उनकी शायरी को ख़राब कर सकते हैं, लेकिन शायर हमेशा शायरी बनाता ही रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप गाइस, आप लोग इनकी आवाज़ को शायद नोटिस ना कर पाएं, बट राहत इंदौरी हैं ये और यहाँ पर चले आए हैं। और गाइस आप लोग सच में मानेंगे नहीं गाइस, इधर बहुत सारे कांटे और आप मानेंगे नहीं गाइस, ये राहत इंदौरी के गाइस बहुत दूर के रिश्तेदार हैं गाइस, ये मोहम्मद जिसान यार। राहत इंदौरी के बहुत दूर के रिश्तेदार हैं गाइस, आप लोग सच में यकीन नहीं करेंगे, बट यही सच है। तो भाई यार हम फाइनली इस जंगल से बाहर आ चुके हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर बगिये में आ चुके हैं, यहाँ पर आम वाले और फिर सीधा घर का रास्ता सीधा कर देंगे, यानी कि चले जाएंगे और चलते ही हैं। तो अब गाइस पूछ लीजिए जरा, आप जामुन लेकर किसके लिए जा रहे हैं, देख पूछिएगा आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा कि हाथ में जामुन लेकर कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए और ये हमारा आम का बगीचा है गाइस, हमारा नहीं है गाइस, वर्ष गांव के ही कहने के लिए कहने में क्या जाता, बस हमारे एरिया में पड़ता है तो हमारा ही है, समझिए हमारा ही है गाइस। सो गाइस देख सकते हैं निशान भाई ऊपर चढ़ रहे हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा आम का बगीचा है गाइस, बहुत दूर तक है काफी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हाय गाइस, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइस, हम लोग यहां पर बगिये में से जा रहे हैं और ये बगिया हमारा है भी नहीं, तब भी हम इतने से आम बगैर रुपए दिए ले जाते हैं, ये समझो अपना गाइस हमारे गांव का ही बगिया है, ये अपना ही है, हम लोग आते हैं इधर से आम खा के चले जाते हैं और रुपया भी नहीं मांगते, आम का टाइम नहीं है, खत्म हो चुका और आम का सीजन खत्म हो चुका है, जैसा आप जानते हैं आम लगे नहीं है, आम सब तोड़ लिए गए हैं, अब रोक लिया खत्म। तो गाइज यार आपने यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही मजा आया हो गाइज, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा यार आप हमें कमेंट करके बताना गाइज, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया है, क्योंकि हमारा जो कैमरामैन था उसे मैंने बताया ही नहीं था और ना ही मुझे भी पता था, हम तो लोग गए थे वैसे जामुन खाने के लिए मज़े के लिए और वैसे बना लिया है नॉर्मली है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो नए नए साइंस से एक्सपेरिमेंट से और ब्लॉगिंग, ये तो मैं पहली बार बना रहा हूँ, अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह की वीडियो मिल सके। सो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।